I love to do art and craft. Hi, my name is Varali. I am from Pune and I am 13 years old. I choose art course in Tabbadi. It is my hobby to do art and craft, and I had made lots of things in that. जब से मैंने ये course choose किया है, मेरे लिए बहुत आसानी हो रही है art और craft करने के लिए. Tabbadi में shading सीखा है, arts के different forms सीखे हैं. पहले मेरे को पता नहीं था origami क्या होता है, पर जब मैंने वो videos देखी, उनमें बताया कि ओरिगामी क्या होता है. ओरिगामी मतलब एक पेपर फोल्डिंग आर्ट है, और अब मैंने बहुत सारे ओरिगामी घर पे भी बनाए, स्कूल में भी बनाए हैं. आई हैड गिफ्टेड इट टू माय टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. उनको भी बहुत पसंद आया. उन्होंने बोला कहाँ से सीखा है. टुडे आवर एक्टिविटी इज टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग ओरिगामी बटरफ्लाई. एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि ओरिगामी होता क्या है. ओरिगामी एक आर्ट फॉर्म है जिसमें पेपर को फोल्ड करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं. ओरिगामी एक जापानीज आर्ट फॉर्म है. ओरिगामी दो वर्ड से बना, ओरी जिसका मतलब होता है फोल्डिंग एंड कामी जिसका मतलब होता है पेपर. जब ओरिगामी को एक साथ लिखा जाता है तो उसमें कामी गामी में चेंज हो जाता है. ओरिगामी का मतलब होता है पेपर फोल्डिंग, जिसमें हम पेपर के थ्रू डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स को डिपिक्ट करते हैं. ओरिगामी को जानने के बाद लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के लिए हमें जरूरत है कलर्ड और व्हाइट पेपर की, स्केच पेंस की, सीजर्स एंड फेविकॉल की. आप उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो. अगर आपके पास कलर शीट नहीं हो तो आप व्हाइट शीट का यूज भी कर सकते हैं. यूज एनीथिंग दैट इज अवेलेबल टू यू. लेट्स स्टार्ट बाय फोल्डिंग द पेपर एंड मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. ओरिगामी के लिए फोल्ड्स इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आज हम ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और यह देखेंगे कि कहां पर कौन सा फोल्ड करना है. लेट्स वॉच द वीडियो. बटरफ्लाई बनाने के बाद हम एक व्हाइट शीट लेंगे और उसे फोल्ड करके ग्रीटिंग कार्ड का लुक देंगे.
फोल्ड करने के बाद हम उस व्हाइट शीट के ऊपर बटरफ्लाई को पेस्ट करेंगे और अपना ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखेंगे। यहाँ मैं किसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ तो मैं उन्हें इस कार्ड के थ्रू थैंक यू बोल रही हूँ। यहाँ मैं किसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ तो मैं उन्हें इस कार्ड के थ्रू थैंक यू बोल रही हूँ। आप अपने कार्ड को इसके बाद अपने विश के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने अपने कार्ड को डेकोरेट करने के लिए लाइन्स एंड लीव्स का यूज करा है। आप अपने वर्ड्स को डबल और शेड भी दे सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहली, एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि हमें पता चल सके कि हमने पेपर में किस तरह से और कहां पर फोल्ड करना है। दूसरी, पेपर को फोल्ड करते वक्त उसे अच्छे से प्रेस करें ताकि क्रीजेस ठीक बने। आपकी क्रीजेस जितनी डीप होगी आपको पेपर फोल्ड करने में उतनी आसानी होगी। तीसरी और आखिरी पॉइंट, अपने मैसेज के बारे में आप सोच के रखें ताकि जिसको आप ये कार्ड दे रहे हो उसके पास आपकी फीलिंग पहुंच सके। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने 2 स्किल्स सीखे। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग। हमने पेपर को ध्यान से फोल्ड करा और क्रीजेस बनाए ताकि हम उसे एक बटरफ्लाई की शेप दे सके। इस तरह हमने क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया। दूसरा, हमने सीखा कम्युनिकेशन। हमने अपने ग्रीटिंग कार्ड पर जो मैसेज लिखा था हमने उसे कम्युनिकेट करा थ्रू राइटिंग, जिससे कि हमारी फीलिंग्स हमारे लव्ड वन तक पहुंच सके। इसके साथ बारी है हमारे चैलेंज की। आज के चैलेंज में हम बनाएंगे एक बटरफ्लाई ग्रीटिंग कार्ड विद अ मैसेज। अभी आपने मेरी फन एक्टिविटी देखी। नाउ आई एम चैलेंजिंग यू टू डू द सेम फन एक्टिविटी।